तो कैसे हो आप सभी? तो आप लोग देख रहे होंगे सुबह सुबह सारे रेडी हो रहे हैं। ये देखिए बच्चे भी रेडी हो चुके हैं, हम भी। और तो हम जा रहे हैं अमृतसर और आपको भी साथ लेके चलेंगे, तो चलिए हमारे साथ। और मेरी ये छोटी सिस्टर है, पहचानते ही आप लोग, तो ये आई हुई है, तो इनको लेके हम जा रहे हैं घुमाने के लिए। और टाइम अगर पूछे तो टाइम हो रहा है 6:30, तो चलिए जैसे जैसे हम घूमेंगे जहाँ जहाँ वहाँ वहाँ आपको भी लेके चलेंगे। तो चलिए चलते हैं। ये सभी तैयार हो गए हैं, बस मौसा शूज पहन रहे हैं और पापा भी तैयार हो चुके हैं, ऋषि भी तैयार हो चुका है। इसको कौन गोदी उठाएगा? अपनी तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि मैं, मेरी सिस्टर प्रियांशी, नन्नी सारे रेडी हो चुके हैं। बस छोटी सी गुड़िया है, इसको नींद बड़ी आ रही थी, ये उठ गई थी, फिर इसको नींद आ रही थी। एक्चुअली सुबह भी था, इतनी सुबह बच्चे कहाँ जल्दी से उठ पाते हैं, तो इसको नींद आ रही थी। तो नींद में इसे छोटी वाली सिस्टर इसको रेडी कर रही थी और ये खुश हो गई थी उसके बाद उठने के बाद। तो देखिए प्रियांशी से बातें कर रही है। तो यहाँ पे देखिए मैं मास्क लगा के रेडी हो चुकी हूँ और मास्क का और मेरे स्वेटर का कलर एकदम मैचिंग है। और इधर मैंने भगवान वाले कमरे में दिया वगैरह जला लिया था, तो वो भी मैं दिखा रही हूँ आपको, रोशनी आ रही थी। और मॉर्निंग का टाइम है, हम लोग निकले हुए थे सुबह, तो ये देखो कितना अंधेरा है, क्योंकि सर्दी में ऐसे भी थोड़ा लेट ही धूप निकलता है, तो बस थोड़ा अंधेरा ही था। बट हम लोग सारे रेडी हो चुके थे कि सुबह जल्दी निकलना था, कि जितनी जल्दी पहुंच जाएंगे उतनी जल्दी हमें दर्शन भी हो जाएंगे, ये सोच के भी हम थोड़ा सुबह ही निकल चुके थे। तो यहाँ देखिए ऋषि अपने मौसा जी के साथ है और ये मतलब मौसा जी से इसको इतना ज़्यादा लगाव है ना अपने बड़े मौसा से, ये जब भी मतलब हम अगर जाएँ और ये अगर इधर आते हैं, मतलब इसको बड़े मौसा अगर मिल जाए और मामा, तो फिर ये किसी के पास, अपने मम्मी पापा तो कोई भूल जाते, तो मौसा के साथ इसको उठना बैठना खाना पीना सब कुछ करना है। तो ये तो बस सुबह इनके साथ ही लगा हुआ था, तो ये नीचे आ गए थे पहले, थोड़ा बहुत जो हमने सामान लिया था रास्ते में खाने खुने के वो रखने के लिए, तो ये भी आ गया था। और इधर हम सारे अब बैठ रहे हैं और हमने एक गाड़ी से ही गए थे सारे, एक्चुअली थी दो गाड़ी बट हमने प्लान किया कि एक ही गाड़ी से चलते हैं सारे, इकट्ठे बैठने में थोड़ा मज़ा आता है कि चलो इकट्ठे जा रहे हैं। तो ये देखिए मैं आपको रास्ते का भी थोड़ा बहुत व्यू दिखा रही हूँ। तो बस अब हम जब पहुँचेंगे तो ज़रूर वहाँ भी जितना भी शूट करूँगी मैं सब मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ अब हम पहुँच गए हैं जहाँ पे पार्किंग होती है गाड़ी की, वहाँ हमने पार्किंग में लगा दिया है यहाँ पे गाड़ी। अब यहाँ से हमने ऑटो करना है तो रास्ते 2-3 मिनट का, बट छोटे बच्चे थे तो इसलिए हमने ऑटो कर लिया था और ऑटो करके सीधे हम जाएंगे अब गोल्डन टेम्पल। यहाँ पे देखिए आप लोग कितनी ज़्यादा भीड़ है, बहुत ज़्यादा भीड़ थी, जो कि हम लोग टाइम से पहुँच गए थे सुबह और फिर भी बहुत लंबी लाइन थी। और यहाँ पे छोटी सिस्टर भी फ़ोटो वगैरह क्लिक कर रही थी कि चलो ठीक है ये यादें रहेंगी हमारे पास, क्योंकि नज़दीक तो है नहीं कि बार बार जा सकते हैं, हमारे लिए तो है बट इनके लिए नहीं है, तो थोड़ा होता है कि चलो ठीक है अब आए हैं तो थोड़ा एक बार अच्छे से कर लें। तो देखिए हम लोग लाइन में लगे हुए हैं और बहुत ज़्यादा भीड़ थी बट हमें हो गया था, आराम से दर्शन हो गया था। और मैं बिल्कुल अंदर का वीडियो नहीं बना सकी क्योंकि नहीं ले जाने देते, अंदर में बनाने ही
ही नहीं देते हैं वीडियो, तो थोड़ा बहुत मैंने जितना हो सका है मैंने किया है। और जो भी किया आप लोग ज़रूर देखिएगा, जो यहाँ पे हैं जिनको पता है उनको तो पता ही है, बट जो नहीं यहाँ पे आए हैं तो एक बार ज़रूर आए, बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगता है। तो हम लोग भी ज़्यादातर तो नहीं आ पाते, जब कोई हमारे यहाँ आते तभी हम भी आते हैं, तो बस हम भी आ गए थे छोटी सिस्टर के बहाने ही हम भी आ गए थे घूमने, और बहुत दिन बाद मैं भी आई थी यहाँ पे अमृतसर में। तो बस ये देखिए सारे दर्शन करके जा रहे हैं, और हमें भी दर्शन टाइम से हो गया था और अच्छे से हो गया था। यहाँ पे देखिए रंग बिरंगी मछलियाँ हैं, यहाँ पे कलरफुल फिश रहती हैं, और रिशु इसको देख देख के एकदम से बड़ा खुश हो रहा था। और यहाँ पे मैं और छोटी सिस्टर फ़ोटो क्लिक कर रहे थे, क्योंकि मैंने कहा चलो फ़ोटो वगैरह क्लिक कर लेते हैं। और यहाँ मैं दूर से एक वीडियो बना रही थी गोल्डन टेम्पल का, ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है, बहुत सुंदर लगता है, और यहाँ पर आके भी आपको बहुत अच्छा लगेगा, तो एक बार आप लोग भी ज़रूर आइएगा, बहुत अच्छा लगता है। तो अब यहाँ से हम बाहर जाएँगे, क्योंकि बच्चे हैं सबको भूख भी लग गई है, तो यहाँ से निकल के अब हम खाना खाएंगे, उसके बाद देखते हैं कैसे क्या प्लान होता है, कि पहले मार्केट जाना है कि कहाँ, जो चले जो भी होगा दिखाएंगे आपको। यहाँ हम आ गए पहले खाना खाने, खाना खा के फिर हम जाएंगे, प्लान हमारा हुआ कि पहले हम मार्केट घूम लेते हैं, तो हम आपको साथ में मार्केट लेके चलेंगे, उसके बाद देखते हैं और कहाँ जाते हैं। तो चलिए पहले आपको हम मार्केट लेके चलते हैं। आयो 250। मैंने मार्केट का ज़्यादा वीडियो नहीं बनाया, क्योंकि हमने ज़्यादा देर मार्केट में बिताया ही नहीं, कि छोटे बच्चे थे रोने लगे थे, खास करके छोटी गुड़िया जो तंग कर रही थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ भी थी, और हमने शॉपिंग भी कुछ करना था नहीं ऐसा खास। और बट हमने जूती ज़रूर खरीदी, अमृतसर की जूती, फुलकारी, दुपट्टा, सूट वगैरह बहुत ज़्यादा फेमस है, बट हमने बस जूती की शॉपिंग की, और बच्चे हैं तो बच्चों के साथ टॉयज ज़रूरी है, तो बस बच्चों के लिए थोड़े बहुत खिलौने लिए थे, और बस ये दो चीज़ शॉपिंग की, हमने ज़्यादा कुछ किया नहीं, इसलिए मैंने ज़्यादा मार्केट का बनाया भी नहीं, और बच्चे भी तंग करे। तो यहाँ से हम जैसे खाना वाना खा चुके हैं, मार्केट भी घूम लिया, अब हम जा रहे हैं यहाँ से जलियांवाला बाग, वो भी मैंने थोड़ा बहुत वीडियो बनाया उसका भी। और जैसे मैं बता रही हूँ कि जो नहीं आए हैं एक बार जरूर आए, तो जरूर ही आए। और थोड़ी दूर पे ही है, जैसे अमृतसर से आप गोल्डन टेम्पल से सॉरी बाहर निकलोगे तो थोड़ी दूर पे आपको खाने पीने की हर चीज़ मिल जाएगी, और थोड़ी आगे में मार्केट भी, मतलब उसी के आसपास में ही है, ज़्यादा दूर पे नहीं है। तो और जलियांवाला बाग भी पास में ही है, तो यहाँ हम आ गए, ये एंट्री है। और जैसे अंदर घुसते तो ये जो स्टैचू लगी है, इसको देख के मेरी छोटी गुड़िया बोल रही थी कि मासी देखो ये पूरे सोने के बने हैं, बट ऐसा कुछ है नहीं, ऐसे ही बने हुए हैं, बट उनको पता नहीं था, क्योंकि ये भी बहुत दिन बाद आई है, छोटी थी तभी मैं लेके आई थी, तो ये भी बहुत खुश हो रही थी मेरी दोनों गुड़िया भी। तो ये देखिए इस तरीके से ये बनाया गया, और बहुत सुंदर है, बट पहले कुछ और था, अभी थोड़ी चेंजिंग की गई है, उसमें भी बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत ही अच्छा बनाया, आप आराम से यहाँ पर 2-3 घंटे बिता सकते हो, बहुत अच्छा लगेगा आपको, बहुत ही अच्छा लगता है। यहाँ अंदर में जैसे चेंज किया गया, और इसके ऊपर आप जाओगे तो यहाँ पे मूवी हॉल बनाया गया है, पहले नहीं था। और मूवी हॉल में आपको कोई अदर और कोई मूवी नहीं दिखाते, यहाँ पे जलियांवाला बाग की जो पूरी स्टोरी है वही आपको बताएंगे, तो ये बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छा। हम लोग गए थे ऊपर, बट फिर नीचे आ गए कि टाइम नहीं था, क्योंकि देर भी हो रहा था, हम लोग को निकलना भी था, तो बस यहाँ से हम घूम के सीधे घर जाते हैं। और कुछ ऐसे शॉपिंग वगैरह तो किया नहीं, जैसे मैं बता रही जूती ली बस, और तो ऐसा कुछ लिया नहीं।
यहाँ पे अब हम बाहर निकल गए हैं और बाहर निकलते ही यहाँ पे कड़े वगैरह दिख गए थे, जैसे यहाँ पे फेमस है बड़ी वगैरह पापड़, तो वही मेरी छोटी सिस्टर ने शॉपिंग की और यहाँ से सीधे अब हम घर चलेंगे। और मैं जैसे बोलती हूँ हर बार कि अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी जरूर करें, तो ज़रूर करिएगा और कमेंट्स में भी ज़रूर लिखिएगा।